तो आज के फंक्शन राइज एंड साइन वुमेन अवार्ड फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जब हमने सोचा कि हमें अवार्ड शो करना है, ट्रस्ट में एक ही इच्छा थी, हम बहुत करते आए हैं अवार्ड्स, बट डेफिनेटली ये इच्छा थी कि पहचान मिले, वुमेन को अलग से एक रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मदर बन जाए, हर वुमेन को एक अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है और वो तभी मिलती है जब उसको एक अहदे पे वो रिकग्निशन मिलती है. So that is very very important. तो मुझे लगता है कि this was it and हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हर segment से information technology industry सब जगह से women honored हुई. वो बात कर रहे हैं women empowerment की, तो आपका क्या कुछ कहना है महिला सशक्तिकरण को लेकर? See, women already empowered है. Empower का मतलब है I am power. So definitely women empowerment की हम बात करते हैं तो ये होता है कि women जो already empowered हैं उनको हम कैसे support कर सकते हैं, उनको हम resourceful कैसे बना सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वुमेन एक ऐसे पहले पे होती है कि कभी वो अपने बच्चों के बारे में, पति के बारे में, बड़ों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, घर में, हर सबके बारे में सोचती रहती है. और मैम शादी से पहले भी कई लड़कियों को ढेर सारी प्रॉब्लम के साथ डिफीट करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? बहुत जरूरी, डेफिनेटली मैंने खुद शादी से पहले ही काम करना स्टार्ट किया था, चाहे अपने पापा के स्कूल में, हमारे स्कूल्स में ही काम किया था, बट तभी वहाँ पर जो तुम करते हो एक तितली की तरह करते हो, बट आफ्टर वेडिंग कई बार वुमेन को लगता है कि मैरिज मोबिलिटी मेटर्निटी से वो फंस गई हैं. तो फंसी नहीं है, जैसे वो अपने घर बार को देख रही है वैसे उन्हें अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को देखना है और वही हम जिंदा करना चाहते हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अपमान मत करना नारी का, नारी से ही जग चलता है, जन्म लेकर पुरुष आखिरकार नारी की गोद में ही पलता है. नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं News 28. जी हाँ, ऐसा कहा जाता था कि भारत देश में पहले नारियों की संख्या कम थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग अब नारियों की संख्या बढ़ गई है पुरुषों के अकॉर्डिंग. जी हाँ, किसी भी देश के विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है महिलाओं का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना. वर्तमान में हम आए हुए हैं राइज एंड साइन वुमेन अवार्ड में, जहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं इस अवार्ड के स्पॉन्सर से, यानी कि जूही मैम से. तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन के बारे में आप? शुक्रिया सोम, और मैं एडवोकेट जूही अरोरा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने राइज एंड शाइन अवार्ड किया है उसमें मुझे मौका मिला है कि मैं इस अवार्ड फंक्शन को स्पॉन्सर कर सकूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं. तो एक ये हमारी एक छोटा स्टेप है आगे बढ़ाने का और ऐसे अवार्ड शो को आगे प्रोत्साहित करने का जिसमें और महिलाओं को बुलाया जाता है और अपने अपने क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कर रही हैं. वुमेन राइज एंड शाइन की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा कौशिक जी से. जी हाँ, तो आइए जानते हैं क्या कुछ विचार है इनके आज के इस दिन पर. देखिए, यहाँ आके मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सारी लेडीज़ मिलेंगी जो कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस करके कुछ कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. सो फॉर मी, अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँ तो फॉर मी राइज एंड शाइन इज़ एक्चुअली हम सब के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन वुमेन वुमेन. सो इट्स वुमेन पावर ऑल द वे, जो कि यहाँ बहुत अच्छे से झलक आ रहा है. तो सवालों की कड़ी में आप आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कनिका चावला जी से. तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इवेंट के बारे में? I think it's an amazing platform to shine and enlighten other women all together. It's an amazing platform to bring all the women together as a community. I think this is an amazing initiative taken by the MentorX team to bring all the women around of the world in the different spheres to come together and enlighten the other person's life. सवालों का सिलसिला जारी ही रहेगा, रुकने से तो रहा. तो आइए आगे बढ़ते हैं. So ma'am, what's your name? My name is Neeru Monga. And what's your profession? I work as an HR professional with Deloitte. So what do you think about Rise and Shine Women Empowerment Award Show? Oh, it's an amazing event. I get to interact with a lot of people here. I mean, I think it's a good networking platform. So yeah, it's a great, great event. Having a great time with everyone. जी, आपका नाम? मेरा नाम आयना गुप्ता है. मैं co-founder हूँ 5-star PGs की और managing director भी हूँ. मुझे 12 साल हो गए हैं काम करते हुए,
और मेरा बेसिकली जो कंसर्न था कि एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ जो दिल्ली से बाहर से औरतें आती हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में जो लड़कियां आती हैं और जॉब करती हैं, उनको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिले। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। एंड विच प्रोफेशन यू कम? मैं डेंटिस्ट हूँ। ओके, लाल, आज बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हम इसी पे ठहरे रहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस अवार्ड फंक्शन के लिए, साइन एंड राइस? क्या लगता है, महिलाएं वर्तमान में साइन और राइस कर रही हैं या नहीं? नहीं, आजकल पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा, बहुत उन लोग को, वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है, और इवन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी, फैमिली भी, सोशल मीडिया भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, एंड दैट्स वेरी गुड।